यू बेबीज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी विल लर्न अ गुड हैबिट्स, ओके। उससे पहले हम करेंगे गायत्री मंत्र। डेली गायत्री मंत्र करते हैं ना हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल join your hand and close your eyes. Now start. Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Tiyo Yonah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. And rub karenge hand to एंड अपनी आईज पे डेली आपको होल्ड करके रखना है, ओके। रब 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 योर हैंड्स, रब 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 योर हैंड्स, स्लोली स्लोली फास्ट। किड्स, आपको पता है हमने ये आईज पे अपने हैंड को क्यों रखा था? क्योंकि जब हम ये रब करते हैं एंड हमारे हाथों में हीट हो जाती है, ओके। तो हम अपने आईज पे रखते हैं ना, तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, ओके किड्स। एंड नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज। रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, मूव, स्टार्ट मूविंग, स्लो स्लो फास्ट। पहले हम करेंगे स्लो स्लो फास्ट, रोलिंग स्लोली स्लोली फास्ट, स्लोली स्लोली फास्ट, क्लैपिंग स्लोली स्लोली फास्ट, स्लोली स्लोली फास्ट। एंड नेक्स्ट हमारा होगा बेबीज, आपको पता है ना मैंने आपको समझाया था कि आपको बाहर नहीं जाना है, आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना, आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपको बाहर जाना पड़ गया तो क्या करना है आपको? मास्क वेयर करके जाना है और हैंड को सैनिटाइज करते रहना है, हैंड को अच्छे से वॉश करते रहना है, खाना खाने से पहले वॉश अच्छे से करना है, ओके, यस। और घर के अंदर ही रहना है एंड मास्क वेयर करना है, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करती हैं गुड हैबिट्स। आज मैं आपको बताऊंगी गुड हैबिट्स के बारे में, ओके ओके बेबीज। नाउ स्टार्ट अबाउट गुड हैबिट्स, ओके। लेट्स स्टार्ट, लिसन केयरफुली, ओके। आर यू नो बेबीज गुड हैबिट्स और नॉट? हाँ, आपको पता है गुड हैबिट्स किसे कहते हैं? अच्छी आदतें। हमें डेली रूटीन में गुड हैबिट्स को करना है, बैड हैबिट्स हमें बिल्कुल टीच नहीं करनी है, ओके। आज मैं आपको बताऊंगी गुड हैबिट्स क्या होता है, ओके। फर्स्ट लाइन इज हमारी, फर्स्ट लाइन में मैं आपको ये समझाऊंगी, हमेशा ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ओके। हमेशा सच बोलना चाहिए, अपने बड़ों से और छोटों से सबसे सच बोलना चाहिए, ठीक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बैड हैबिट्स होती है किड्स, ओके। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है, क्योंकि एक झूठ आप बोलोगे ना तो सब आपको कहेंगे बैड मैनर्स कर रहा है बेबी, इसको तो गुड हैबिट्स आती ही नहीं है, है ना। झूठ बोलना बैड हैबिट्स होती है किड्स, तो हमें बैड हैबिट्स नहीं करनी है, हमें गुड हैबिट्स करनी है, हमें अच्छी आदतों को सीखना है ना। तो हमेशा सच बोलना है, ठीक है। एक झूठ बोलोगे ना तो फिर उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलोगे, फिर तीसरा झूठ बोलोगे, फिर झूठ बोलते जाओगे और बैड बेबी बन जाओगे। आपको बैड बेबी नहीं बनना है ना, तो आपको ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलना है। एंड सेकेंड, ऑलवेज ओबे एल्डर्स। आप अपने बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। मॉर्निंग में जब उठते हो ना, सबसे पहले अपने मम्मा पापा को प्रणाम करो, है ना। अपने पड़ोसों को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए किड्स। एंड
और जो भी बात वो बोलते हैं उनका कहना मानना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि आपके बड़ों को पता होता है क्या सही है आपके लिए क्या गलत, तो हमेशा उनकी बात माननी है आपको। फिनिश हो वर्क ऑन टाइम, अपने काम को हमेशा टाइम पे फिनिश करो। आपको लंच दिया जाता है, ब्रेकफास्ट, डिनर, जो भी दिया जाता है अपना टाइम पर फिनिश करना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो टाइम से फिनिश करो, ओके। ये गुड हैबिट्स होती है। एंड मैम ने आपको होमवर्क सेंड किया था ना, होमवर्क मैम देती है ना आपको होमवर्क करने, हाँ, तो आप टाइम से उसको कंप्लीट कीजिए, है ना, और गुड हैबिट्स कीजिए, बैड हैबिट्स नहीं। Wake up early in the morning, है ना, जल्दी उठना है, रात को स्लीपिंग भी जल्दी करनी है ना, जल्दी उठिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आपने ये वाली राइम्स सुनी है किड्स? आज मैं आपको ये राइम्स भी सिखाऊंगी, ओके। आज हम एक राइम्स करेंगे, ओके, अर्ली टू बेड, ओके। पहले मैं कुछ गुड हैबिट्स के बारे में आपको बताती हूँ, उसके बाद हम इस राइम्स को करेंगे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टू टाइम्स हमें ब्रश करना है ना, मॉर्निंग में एंड नाइट में, ओके किड्स। क्योंकि अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे टीथ में कैविटीज आ जाती हैं एंड पेन होते हैं, है ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाते हैं ना डॉक्टर। तो पहले से हमें अपना ध्यान रखना है, गुड हैबिट्स करनी है और डेली ब्रश करना है, टू टाइम्स ब्रश करना है, ओके। कट योर नेल्स रेगुलरली, आपने अपने नेल्स को रेगुलर कट करते रहना है। आफ्टर 2-3 डेज में हमारे लॉन्ग हो जाते हैं ना नेल्स, तो बेबीज उनको कट करके रखना है, क्योंकि आपको पता है ना उसके अंदर डस्ट पड़ जाती है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के थ्रू वो स्टोमक में जाता है एंड स्टोमक पेन हो जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अपने नेल्स को क्लीन रखना है। अगेन मैं रिवाइज करवाऊंगी आपको गुड हैबिट्स क्या क्या करनी है किड्स, आपको लिसन केयरफुली। ऑलवेज ओबे एल्डर, अपने बड़ों का कहना मानना है। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उनकी बात को सुनना है, इग्नोर नहीं करना है ना, क्योंकि हमारे बड़े जो बोलते हैं वो हमेशा अच्छा बोलते हैं हमारे लिए, तो हमें उनका कहना मानना है ना। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमेशा सच बोलना है ना, ऑलवेज बी ट्रुथ, हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे, हमें ब्रश को 2 टाइम्स करना है, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एंड इन नाइट, ओके किड्स। ध्यान रखना है आपको इन बातों का। नीट एंड क्लीन ड्रेसेस वेयर करनी है ना किड्स, आपको क्या करना है, गुड हैबिट्स करनी है, ध्यान रखना है ना गुड हैबिट्स का। आज मैंने जो भी गुड हैबिट्स आपको बताई है उसका ध्यान रखना है ना। एंड एक हम राइम्स करेंगे, है ना, अर्ली टू बेड, ओके। आर यू रेडी किड्स, सिंग विथ मी। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Makes a man healthy, wealthy and wise. Kid, small सी वीडियो मुझे इस rhymes की send करनी है, okay? ओके किड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।